सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड के पार्ट सेकंड को। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने काफी कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटीज क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें को हम लोग बिजनेस कंसीडर करते हैं, क्या क्या अगर किसी चीज को बिजनेस कंसीडर करना है तो उसमें क्या कैसे फैक्टर होने चाहिए, वो सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने एज वाइड रेंज में सारी चीजें देख ली कि बिजनेस क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। आज जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट लोकेशन क्या होता है, प्लांट लोकेशन क्या होता है, प्लांट लोकेशन को सेलेक्ट करने के फैक्टर्स क्या क्या हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ये सेकंड है। फर्स्ट में हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में जाना था, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे रन करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग देख ली। लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो हम लोगों ने एक और चीज देखा था, प्लांट लोकेशन के फैक्टर क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं कोई प्लांट अगर हमें लगाना है तो उसके लोकेशन के लिए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली रहने वाला है प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट को बेस्ड पे। प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट कैसे बिजनेस के ग्रोथ को अफेक्ट करता है, वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि प्लांट लेआउट का बिजनेस ग्रोथ में और बिजनेस इनहेंस करने में बढ़ाने में क्या उसका योगदान रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द लेक्चर। So first of all, let's discuss what we are going to discuss today. So the first point we are going to discuss today is about plant layout. What is plant layout? हम समझेंगे plant layout क्या होते हैं, उसकी meaning क्या होती है, objectives क्या क्या हैं plant layout के, importance क्या है plant layout का, अगर plant layout है अच्छा तो उसका importance क्या क्या है, types कितने हैं, principles of layout क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग लेआउट। तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं, इन सारी चीजों के सराउंडिंग में ही आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर से सीख के जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्लांट लेआउट होता क्या है। सो अगर बात करें प्लांट लेआउट की तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट लेआउट को अगर एक्सप्लेन करते हैं एक सेकेंड, हाँ, तो प्लांट लेआउट एक्चुअल में होता क्या है। तो जब हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको प्लांट बताया था क्या होता है कि मशीनरी जो लगाई जाती हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो प्लांट लेआउट क्या है, प्लांट लोकेशन हम लोगों ने पहले पार्ट में एस्टेब्लिश कर ली थी कि कौन सा प्लांट है, कहाँ पे हमें अपने बिजनेस को सेटअप करना है, कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हमें बिजनेस अपना सेटअप करना है, अपनी फैक्ट्रीज लगानी है, ये सब हमने डिसाइड कर लिया था हमारे चैप्टर यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। आज हम अपने प्लांट लेआउट को समझेंगे। प्लांट लेआउट बेसिकली क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मशीन्स MSCHIN which perform a production task. ये basic meaning है। So आपके हिसाब से या फिर business के हिसाब से plant layout क्या होता है? प्लांट लेआउट बेसिकली होता है एक आप जो मशीन्स यूज कर रहे हैं, आप अपने मशीन आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट डालते हैं, जान लीजिए आपने कोई ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, आपने फैक्ट्री लगाई, अब जो भी आप मशीन उसमें यूज करेंगे उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट अगर हिसाब से अगर मशीन लगा रहे हैं उसी को हम लोग प्लांट लेआउट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेड बना रहे हैं तो कहीं से आप आटा लाएंगे, उसको फिर कहीं से गेहूं लाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, आटे में बनाएंगे, आटे को फिर आप गूथेंगे, फ्रीज करेंगे, जो भी करेंगे, ब्रेड बनाएंगे, फिर उसकी लोब्स बनाएंगे लंबी लंबी, फिर उसका ब्रेड बनाएंगे। तो जो भी अलग अलग मशीन इक्विपमेंट यूज हो रही है उनका जो सेटअप है, पहले कौन सी मशीन रहेगी, फिर कौन सी मशीन लगाएंगे, फिर कौन सी मशीन लगाएंगे, फिर कौन सी मशीन लगाएंगे, तो इसी के जो पूरे सेटअप लाइन बाय लाइन चलता है उसी को हम लोग लेआउट कहते हैं, प्लांट लेआउट कहते हैं। कोई प्रोडक्शन यूनिट है, कहीं पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है आगे उसको फर्दर यूज में, फिर उसको कहीं फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, फिर उसको कहीं पैक किया जा रहा है, उसको लेबलिंग की जा रही है, फिर उसको सेल किया जा रहा है, तो इसी सारे जो मशीन्स के इक्विपमेंट को जो सीरीज लगी है उसी को हम लोग प्लांट लेआउट कहते हैं। प्लांट लेआउट बेसिकली क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल दोस मशीन विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बेसिक बात हो गई। ठीक है, अगर आप कोई प्लांट कोई फैक्ट्री लगाने वाले हैं तो ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है।
तो अगर आप फैक्ट्री लगाने वाले हैं तो आप उस फैक्ट्री को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि आप जो लेआउट है उसमें वो फिक्स हो जाए। मींस क्या हो रहा है, मतलब समझिए, आप फैक्ट्री बन लगाने से पहले आप अपना लेआउट डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मेरा प्रोडक्शन यूनिट यहाँ है, रॉ मटेरियल यहाँ से प्रोसेस होगा, उसको फिनिश्ड गुड यहाँ होगा, लेबलिंग यहाँ होगा, उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ किया जाएगा, यहाँ ले आके उसको सेल कर दिया जाएगा। ये आपने लेआउट तैयार कर लिया। अब इसी के हिसाब से आप अपनी फैक्ट्री तैयार करेंगे। आप फैक्ट्री तैयार करने के बाद उसमें लेआउट अपना फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप फैक्ट्री बना करके अपना जो लेआउट है उसमें फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप पहले अपना लेआउट तैयार कर लेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी फैक्ट्री तैयार करेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आप लेआउट पहले तैयार करेंगे या फैक्ट्री पहले तैयार करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, आप अपना लेआउट पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसको फैक्ट्री में उस हिसाब से डिजाइन करेंगे, फैक्ट्री उसमें वो लगाने की कोशिश करेंगे। आप अपने लेआउट को फैक्ट्री में जो भी आपने तैयार किया उसको लगा देंगे। आप अपने फैक्ट्री में लेआउट को नहीं वो कर सकते, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लेआउट तैयार कर लिए, अब फिर उस हिसाब से आप अपनी फैक्ट्री तैयार किया और वहाँ पे लगा दिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिल्डिंग खड़ा कर दिए फिर उसमें अपना जो लेआउट है किसी भी तरह एडजस्ट करके उसमें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिक मीनिंग है लेआउट की। बात सिंपल सी है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल दोज मशीन्स विच आर यूज इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे डेफिनेशन दी है प्लांट लेआउट की। प्लांट लेआउट इज अ प्लान फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग मोस्ट इफिशियंट, ये वर्ड हाईलाइट करें, मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स मटेरियल पर्सनल स्टोरेज स्पेस एंड ऑल सपोर्टिंग सर्विसेज विद इन अवेलेबल फ्लोर स्पेस। तो जो भी हमारे पास स्पेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है उसी को हम अपना प्लांट लेआउट को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, मैक्सिमम उससे हम क्या पा सकते हैं, क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं। प्लांट लेआउट इज अ प्लान फॉर ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पर्सनल इक्विपमेंट स्टोरेज स्पेस मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड ऑल दोज अदर सपोर्टिंग सर्विसेज अलोंग विद द डिसीजन ऑफ बेस्ट स्ट्रक्चर टू कंटेन ऑल दीज फैसिलिटीज। तो जो भी अरेंजमेंट हम कर रहे हैं अपनी मशीन्स को लेकर के ताकि हम सारी जगह को यूटिलाइज कर सके और कम से कम हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम से कम उसमें मूवमेंट हो, एक जगह से दूसरे स्टेप में जाने के लिए कम से कम मूवमेंट हो, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, प्लांट लेआउट कंसीडर करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट है, रीड करिए, लेआउट आइडेंटिकली इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन सच मैनर दैट ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज। तो इसका एक बेसिक वो है, टर्म है जिसके लिए हम करते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको कम से कम रखा जा सके। मेन मोटिव क्या है हमारा प्लांट लेआउट का, जो जगह है उसको यूटिलाइज किया जा सके, जो प्रोडक्ट अगले स्टेप पे, अगर प्रोडक्ट बन रहा है वो अगले स्टेप पे जा रहा है तो उसको कम मूवमेंट करना पड़े और हमारे जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको कम से कम मिनिमम रखा जा सके। ठीक है, यहाँ पे है सर्टेन यूजफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट लेआउट आर एज फॉलो। कुछ यूजफुल ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। सो प्लांट लेआउट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो प्लांट लेआउट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अगर एक बार आप लेआउट लगा लिए, एक बार आप सारी मशीन अपने फैक्ट्री में लगा लिए, कब कहाँ प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ पे लेबलिंग होगा, कहाँ पे वो प्रोडक्ट डिजाइन होगा, वो सारी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स है। तो बार बार आप अपने लेआउट को चेंज नहीं कर सकते बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो एक बार ही आप अपने लेआउट जो लगा रहे हैं उसको पूरा सोच समझ के लगाइए, कहाँ पे हम कौन सी यूनिट लगा रहे हैं, कहाँ पे कौन सी मशीन लगा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिकॉज इट इन्वॉल्व कॉस्ट reflecting such field as engaging architecture, economics and business management. तो ये सारी चीज है जिसकी वजह से काफी complex in nature है। Most of the manager now realize that after the site for plant location is selected, it is better to develop a layout and build the building around it rather than to construct a building first and then try to fit the layout into it. वही मैंने बात आपको बताई, आप अपना layout बना लीजिए, उसके according आप फिर अपने building तैयार करिए जहाँ पे आप अपने लेआउट को फिक्स करेंगे, ना कि आप पहले बिल्डिंग बना लीजिए और उसमें अपने लेआउट को फिक्स करने की कोशिश करिए। जैसा आप लेआउट बनाएंगे, आप पेपर पे आपने प्लान बनाया कि ठीक है मेरा यहाँ पे ये यूनिट रहेगा, ये यूनिट यहाँ पे रहेगा, ये यूनिट यहाँ पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने बिल्डिंग बना दी, यहाँ पे तीनों यूनिट आपने लगा दिया, रेदर देन आप कोई बिल्डिंग बनाए ऐसे और वहां पे आपको तीनों यूनिट जबरदस्ती फिक्स करना पड़े कि यहाँ पे ये यहाँ पे ये। तो आप पहले लेआउट बना लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग तैयार करिए, वहां पे अपने लेआउट को फिक्स करिए। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे प्लांट लेआउट को लेके, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट हम लोग बनाते क्यों हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्लांट लेआउट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग देखते हैं।
रिडक्शन इन चेंज ओवर टाइम, तो आपका जो चेंज ओवर टाइम है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए उसमें काफी रिडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया और डायरेक्ट इसको अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर बगल में रहेगा तो ऑब्वियसली इजी होगा मूवमेंट, लेकिन अगर आपका यहाँ से ये मशीन यहाँ पे रखी है और यहाँ पे आपका पैकेजिंग का आ जाए तो यहाँ से यहाँ पे जाने में, यहाँ पे तो इसका काम नहीं है पैकेजिंग का, इसको फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे घूम के ऐसे आना पड़ेगा। तो आप जो स्टेप लगा रहे हैं, जो भी मशीन लगा रहे हैं, उसको इस हिसाब से लगाइए ताकि आपका जो चेंज ओवर टाइम हो वो कम से कम हो, ठीक है। रिडक्शन इन डिलीवरी फेलियर, तो डिलीवरी फेलियर का जो वो था वो काफी डिक्रीज हो जाएगा, जो आप डिलीवरी कर रहे थे गुड्स की टाइम टू टाइम बन जा रहा था उसमें काफी डिक्रीजमेंट आएगा जो लेट डिलीवरी हो रही थी। फिर आपका है गैंगवे प्लानिंग, एलाइज एंड गैंगवे प्लानिंग है। फिर है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, तो जो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट था वो भी आप काफी मिनिमम हो गया, जैसे यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने का जो कॉस्ट लग रहा था वो काफी कम हो जाएगा अगर ये मशीन यहीं पर रहेगी तो। ज्यादा एक से दूसरे स्टेप में जाने में काफी इजी होगा, काफी इजीली मूवमेंट होगा, काफी स्मूथ मूवमेंट होगा गुड्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट ऑब्जेक्टिव से काफी सिमिलर है, इसको हम लोग रीड करते हैं क्या क्या है। द वेट वॉल्यूम और मोबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो जो वॉल्यूम द फाइनल प्रोडक्ट इज क्वाइट हैवी और डिफिकल्ट टू हैंडल इन्वॉल्विंग कॉस्टली मैटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इंपॉर्टेंस कंसीडर विल बी मूव द प्रोडक्ट मिनिमम पॉसिबल और बॉयलर ट्यूबाइन लोकोमोटिव इंडस्ट्रियल शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा कंपनी एक्सेट्रा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसको मूव करने का जो टास्क रहता है वो काफी हाई रहता है एज कम्पेयर टू कोई अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आगे मूव करते जाते हैं तो ये काफी ईजी रहता है एज कम्पेयर टू आप फाइनल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। कॉम्प्लेक्सिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट, तो इफ द प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एंड पार्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड फॉर हैंडलिंग द मूवमेंट ऑफ दीज पार्ट फ्रॉम शॉप टू शॉप और मशीन टू मशीन फॉर वन असेंबली पॉइंट टू अनदर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपका कोई अगर आप ऐसा गुड बना रहे हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी बड़ा है, तो उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो एक से दूसरे पार्ट पे जाने पे जाने काफी कॉम्प्लेक्स रहेगा, काफी उस गुड्स को बनाने में दिक्कतें आती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिए। द लेंथ ऑफ द प्रोसेस इन रिलेशन टू हैंडलिंग द टाइम थर्ड इंपॉर्टेंस है। द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस टेंड टूवर्ड मास प्रोडक्शन ये चौथा इंपॉर्टेंस है। एंड आगे प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट, ऑब्जेक्टिव के बाद इंपॉर्टेंस उतना इंपॉर्टेंस जो है प्लांट लेआउट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए। इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल क्या क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल्स को हम लोग समझते हैं, प्रिंसिपल क्या क्या है हमारे प्लांट लेआउट के। मिनिमम मूवमेंट जो गुड्स का है वो मिनिमम मूवमेंट हो रहा है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने में जो मूवमेंट हो रहा है वो काफी कम हो रहा है, जब आपका प्लांट लेआउट अच्छा रहेगा तब। स्पेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल थी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है काफी अच्छी, इंटरडिपेंडेंस है, जो भी आपके एक मशीन से दूसरी मशीन है वो इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि इसका जो काम कर रहा है उसके आगे इस पे काम होगा, फिर आगे जो काम होगा वो इससे जो गुड निकलेगा इस पे काम होगा। ओवरऑल इंटीग्रेशन है, सारी मशीन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जो भी काम हो रहा है जैसे जैसे काम आगे चल रहा है सारी मशीन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड काम कर रही है। सेफ्टी का काफी ध्यान रखा गया है प्लांट लेआउट, जब भी आप कोई प्लांट लेआउट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप सेफ्टी को कंसर्न करके ही तैयार करते हैं। स्मूथ फ्लो, आपका जो फ्लो हो रहा है वो काफी इजी रहेगा, इकोनॉमी काफी सस्ता पड़ेगा, एक से दूसरी जगह अगर जाना हो यहाँ से गुड्स को यहाँ ले जाना ज्यादा इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ पे ले जाया जाए। तो ये सारे कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं किस चीज के, आपके प्लांट अच्छे लेआउट के, अच्छा लेआउट है तो उसके कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं, इसको फॉलो करके आप अच्छा लेआउट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लेआउट की बात करते हैं, तो बेसिकली चार टाइप्स के आपके लेआउट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। एक सेकेंड, तो चार टाइप के जो लेआउट है वो है कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। सेकेंड है आपका प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट जो ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड है आपका फिक्स्ड और पोजीशन लेआउट, और चौथा है आपका कॉम्बिनेशन लेआउट। हम लोग बारी बारी समझते हैं ये जो चार लेआउट है, जैसे कि लाइन और प्रोडक्ट लेआउट है, प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट है, फिर हमारा थर्ड पे है फिक्स्ड एंड पोजीशन लेआउट, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्ड लेआउट। तो ये कौन कौन से लेआउट है, क्या क्या इन सबका काम है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट और लाइन लेआउट।
सो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट क्या होता है? इफ ऑल द मशीन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट लाइन लेआउट। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है हाँ। तो जैसे जैसे ऑपरेशंस, मैंने ऑपरेशंस मींस क्या, जैसे जैसे उनका काम पड़ रहा है उसी हिसाब से अगर मशीन्स को लगाया जा रहा है तो इसको हम लोग प्लांट लेआउट कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। मींस क्या, अगर यहाँ पे फाइनल, एक सेकेंड, हाँ अगर यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल को लाया गया है, फिर यहाँ पे उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, फिर यहाँ पे उसको धुला जाएगा, आगे रॉ मटेरियल से दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको फिक्स कन्वर्ट किया जाएगा, सॉरी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको लेबलिंग की जाएगी, फिर उसको मार्केट में सेल किया जाएगा। तो अलग अलग मशीन लगी हैं अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से, जैसे यहाँ पे प्रोसेस उसका रॉ मटेरियल को लाना, फिर उसको धुलना, फिर उसको कन्वर्ट करना, फिर आगे कन्वर्ट करना, फिर आगे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना, फिर उसको मार्केट में ले जाकर सेल करना। तो जब इस हिसाब से लेआउट को तैयार किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है, लेस वर्क इन प्रोग्रेस है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड मैन पावर है, लेसर इन टाइम एंड प्रोडक्शन। तो टाइम प्रोडक्शन जो लग रहा है आपके प्रोडक्शन में वो काफी कम हो जाता है, लेस स्पेस रिक्वायरमेंट, तो इसमें जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो काफी कम रहती है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी मिनिमम हो जाता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड मैन पावर, तो आपकी जो मशीन्स और मैन पावर है आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, और आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो काफी कम हो जाता है, और जो मटेरियल एंड हैंडलिंग कॉस्ट है वो काफी आपका इसमें एडवांटेज में कम हो जाता है। किसके एडवांटेज में, आपका जो प्लांट और प्लांट सॉरी आपका जो लाइन लेआउट है उसके एडवांटेज में। तो लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाता है। अगर आप रॉ मटेरियल को आप फिनिश धुलने से पहले आप डायरेक्ट उसका कहीं आप मशीन को अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो पूरा सिस्टम आपका बिगड़ जाता है, आपको हर एक मशीन उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, आप लोग इसको रीड कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप सारथी बैच में एनरोल हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ये काफी सारे पीडीएफ, काफी आपको नोट्स मटेरियल, सारे सब्जेक्ट नोट मटेरियल, डाउट क्लियरिंग जोन, सारी चीजें आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। दूसरा आता है फंक्शनल लेआउट। फंक्शनल लेआउट क्या होता है, इन प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट ऑल द सिमिलर मशीन्स आर पोजीशन टुगेदर। तो इस केस में क्या होता है, जो भी एक तरह के टास्क परफॉर्म करने वाली मशीन्स हैं उसको एक जगह लगा दिया जाता है। अगर कोई रॉ मटेरियल को धुलने वाला काम है तो वो एक जगह होगा, अगर कहीं सिलने वाला काम है किसी कपड़े की, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए उसको, अगर सिलने की बात है तो वो एक जगह होगा। तो यहाँ पे फोटो में देख लीजिए, एक तरह का बेसिकली कहने का मतलब क्या है, एक तरह के जहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, एक तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उसकी जो मशीन्स है वो एक कैटेगरी में ही लगी रहेगी लाइन से। ये होता है आपका फंक्शनल लेआउट। थर्ड है, आप इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसको भी रीड कर लीजिए, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आगे मूव करते हैं किस पे, हमारे फिक्स्ड पोजीशन लेआउट पे। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके गुड्स हैं उसको मशीन अलग अलग नहीं रहती है, वो उसको एक जगह फिक्स रहता है, उसके हिसाब से अलग अलग यूनिट से आगे सामान उसमें लगता है, गुड्स एक ही जगह है, गुड एक ही जगह है, बाकी जो जैसे आपके घर की बात कर लेते हैं, आपका घर एक ही जगह बन रहा है लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग से आके वहां पे मिल रहे हैं और उसको बनाया जा रहा है। ये बेसिकली बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ पे बड़े प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आपका शिप जहाज ले लीजिए, पानी का जहाज जो है उसको अगर बनाया जा रहा है तो उसकी एक सिचुएशन फिक्स है, उसके अलग अलग पार्ट कहीं कहीं बना के उसको फिर ला के या एक जगह पे फिक्स कर दिया जा रहा है, वो होता है आपका फिक्स पोजिशन लेआउट। जैसे एलोप्लेन बनता है तो इसका कोई पार्ट कहीं बनेगा, विंग्स कहीं बनेंगे, इसकी बॉडी कहीं बनेगी, टायर कहीं बनेगा, और ये एक जगह इसकी बॉडी रहती है, वहीं पे जला के सारी चीज अटैच की जाती है, इसको हम लोग फिक्स पोजिशन लेआउट कहते हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं उसको भी देख लीजिए, लेस मटेरियल एंड वर्कर मूवमेंट, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाईली फ्लेक्सिबल और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इंश्योर कंटिन्यूटी एंड लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं क्या क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फिक्स्चर, कॉम्प्लिकेटेड है, रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड मैन पावर, तो इसमें काफी हाई स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, मशीन आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, जो मशीन है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और इट इज लिमिटेड टू लार्ज आइटम ओनली, यानी कि फिक्स पोजिशन लेआउट जो है वो जब हम लोग बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं
तो ही ये यूजफुल है। अगर कोई हमें छोटा प्रोडक्ट बनाना है तो उस केस में ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। लास्ट में बात करते हैं कॉम्बिनेशन लेआउट और ग्रुप लेआउट। ग्रुप लेआउट और कॉम्बिनेशन लेआउट क्या होता है? जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की फिक्स पोजिशन लेआउट की और लाइन लेआउट की, तो ग्रुप लेआउट क्या होता है? सारे लेआउट का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन और ग्रुप लेआउट। सारे कॉम्बिनेशन में कुछ मेरिट थी, कुछ डीमेरिट थी, सारे में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। तो जो ग्रुप लेआउट होता है, सारे के एडवांटेजेस को मिला करके एक लेआउट प्रिपेयर करता है। उसमें आपका फिक्स्ड भी होगा, लाइन भी होगा, सारे जो टाइप्स के लेआउट को मिला करके आपका ग्रुप लेआउट बनता है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके भी हैं, इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो ये सारी चीजें आपके प्लांट लेआउट के बारे में थी। अब बात करते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर फैक्ट्री लेआउट प्लानिंग। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा अगर कोई भी फैक्ट्री का हमें लेआउट लगाना है, तो कुछ फैक्टर्स हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फैक्ट्री बिल्डिंग तो फैक्ट्री बिल्डिंग कैसी है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी अच्छे लेआउट को तैयार करने के लिए। बिल्डिंग की साइज कैसी है, फिर उस हिसाब से हम अपना लेआउट बनाएंगे। छोटी बिल्डिंग है तो छोटा लेआउट बनाएंगे, बड़ी बिल्डिंग है तो बड़ा लेआउट तैयार करेंगे। फिर है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हमें कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है उसको भी ध्यान में रख के हमें जो लेआउट है वो तैयार करना पड़ेगा। फिर है मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल का हैंडलिंग जो है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उस हिसाब से भी हमें लेआउट अपना तैयार करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, हमें कौन से इक्विपमेंट लगा रहे हैं। फिर सर्विस फैसिलिटी, वेंटिलेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे किसी भी लेआउट को लगाने के लिए। सो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली कि प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट के फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी कोई भी अच्छा प्लांट लेआउट तैयार करने के लिए। फिर हमने बात की कि टाइप्स ऑफ लेआउट कितने होते हैं, कि जिसमें हम लोग बात की फिक्स लाइन के बारे में, ग्रुप लेआउट के बाद, कॉम्बिनेशन लेआउट की बात की, तो टाइप्स ऑफ लेआउट की बात की, लेआउट क्या होता है उसको समझा और कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं किसी भी लेआउट को, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने समझ ली। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको जो भी चीजें मैंने इस लेक्चर में बताई और डिलीवर की वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।